बेटा, मेरी बच्ची का रिश्ता पहले ही टूट चुका है। कोमल का निकाह हो चुका है, क्यों डर रही है आप? और याद रखिएगा कि ये निकाह शहजाद की मर्जी से नहीं हुआ है। और आपको क्या लगता है, लुबना इतनी आसानी से रिश्ता टूटने देगी? अब देखिए ना, इसकी एक मिसाल दूं आपको। फरा की और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कोमल की शादी मेरे भांजे से हो, लेकिन असद की जिद थी कि नहीं, कोमल का रिश्ता शहजाद से होना चाहिए। सो हमने हार मान ली। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, ये जो फैसला मैंने लिया, ये बहुत सोच समझ कर, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए लिया। शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का, तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। कल आंटी का रवैया और मिजाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। बुरा तो मुझे भी लग रहा था बेटा, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो भी सही थी। आप कैसे कह सकते हैं अब्बू, उनकी बातें, उनका तंज सरासर नाजायज था। देखो बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम वो चीजें नहीं समझ सकते जो मैं समझ रहा हूँ। वो दोनों बहनें बेवा थी, एक ही महल्ले में रहती थी, जाहिर बात है आना जाना भी ज्यादा था, इसीलिए मोहब्बत भी ज्यादा थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के फैसले खुद ही कर लिए थे, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। उनकी चाहत भी अपनी जगह अच्छी थी, सही थी, लेकिन न कोमल की मर्जी थी न असद की मर्जी। तुमने देखा नहीं कि उस दिन कोमल टेबल से उठ के चली गई थी? लुबना और असद की शादी के बाद, तुम्हारे और कोमल के निकाह के बाद, जो असद की वालदा थी वो बेबस थी, वो किसी तौर में मुतमईन नहीं थी बेटा। लेकिन हो सकता है भांजे और भांजी की शादियों के बाद वो इन तमाम बातों को भूल जाए, वो ये बात याद ही ना रखे। कल के वाकये के बाद सिर्फ तुम परेशान नहीं हो, कोमल भी इस बात से बहुत परेशान है। तुम उसे फोन करके समझाओ और तसल्ली। जी जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे कॉल करके बता दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा, तुम्हारी फूफो कब आ रही है? 2 बजे की उनकी ट्रेन है, मैं थोड़ी देर में कॉल करके कंफर्म कर लूंगा। हाँ, तुम एयरपोर्ट कब जा रहे हो? 1 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो 11 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, निकल जाना बेटा। लेकिन अब आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी दवाइयों और खाने का खास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो मैं सारी ट्रेनिंग वगैरह सब छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा। देखो बेटा, मैंने तुमसे वादा किया ना कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है? हेलो, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे याद नहीं करी तुम? जी भाई, मुझे हिचकी लगी हुई थी, संध्या तो मुझे याद कर रही होगी, इसलिए कॉल मिला दी। जी, आप ही को याद कर रही थी। ओह, थैंक यू। मुझे तो लगा आप मुझसे नाराज होंगे। किस बात पे? वो अम्मी ने आपसे कहा था ना। कह दिया तो मैं थोड़ी नाराज हूँ, और तुम तो ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि कभी तुमसे नाराज हो सकता हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? मुझ पे यकीन नहीं, खुद से भी ज्यादा है। बस पे ठीक है, अब मैं मुतमईन होके जा सकता। हाँ, तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा, और अगर कॉल करने में लेट हो गया ना तो घबराना नहीं, परेशान नहीं हो जाना और नाराज नहीं हो जाना। ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ओके। क्या बात है, घर पे हो आज? जी, कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी तो छुट्टी कर ली।
अम्मी वो मैंने डॉक्टर से आपके मुतालिक बात की। क्यों, क्या हुआ है मुझे? ये तो वो डॉक्टर ही बताएगा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है मेरी तबीयत। अम्मी वो साइकेट्रिस्ट से बात कर ली है, अपॉइंटमेंट भी ले लिया, आप मिल लीजिए ना एक दफा। क्या साइकेट्रिस्ट? मतलब दिमाग का डॉक्टर। समझ गई हूँ, तुम्हें मेरी जहनी हालत पे शक है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बातें आपने कल अंकल और शहजाद से की वो बातें करने वाली नहीं थी। मैं मुझे ये लगता है कि एक दो सिटिंग्स करने में या सेशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, आज तुम मुझे नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, कल तुम मुझे पागल खाने में दाखिल करा दोगे पागल कह के। अम्मी ऐसा नहीं है, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या है मुझे बोलो क्या है? अम्मी जो बातें कल आपने अंकल और शहजाद के सामने की थी वो बातें करने वाली नहीं थी। आपने क्यों झूठ बोला अंकल से? क्यों आपने उनको कहा कि कोमल का रिश्ता हम लोग आदिल से करना चाहते थे? आपको पता है इस बात का कोमल की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं चाहती थी मैं, लेकिन अब चाहती हूँ, अब चाहती हूँ कि कोमल का रिश्ता आदिल से हो जाए, और आदिल भी चाहता है कोमल से शादी करना। क्यों, क्यों चाहती हैं आप ये? आदिल एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। अम्मी मैं क्यों करूं अपनी बहन की शादी उससे? भाई प्लीज प्लीज आप अम्मी से बहस मत करें। नहीं नहीं, करने दो बहस, करने दो बदतमीजी जी भर के मुझसे। भाई आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप जाएं। यही सिला देना था इसने मुझे। अम्मी सब कुछ क्यों? उसका अपना बच्चा आने वाला है, इसलिए मुझे भुला रहा है, दूर कर रहा है मुझे अपने आप से। नहीं अम्मी, भाई अब भी आपसे वैसी मोहब्बत करते जैसे पहले करते थे। नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत, नहीं करता, सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है। आप गलत कह रहे हैं, भाई आपका भी वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे भाभी का रखते। उससे तो नहीं डांटता, उस पे तो नहीं चीखता। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे घर से ही निकाल देगा। हद हो गई अम्मी, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं अम्मी आप, ऐसा नहीं होगा। क्यों हो रही है इतनी इनसिक्योर, क्यों खुद को अकेला महसूस कर रही है? कर दिया उसने मुझे अकेला, हो गई हूँ मैं अकेली। सारा सारा दिन उसका इंतजार करती हूँ, मुझे देखना नहीं चाहता, मुझसे मिलना नहीं चाहता। मिल जाता है तो दो चार इधर उधर की बातें करके कमरे में चला जाता है। ऐसे होते हैं बेटे, पागल समझ लिया उसने मुझे। नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, सारी जिंदगी मैंने पाल पोस के उसे बड़ा किया, इस काबिल किया, आज मैं उसके लिए फालतू चीज बनी, घर के कोने में रखी हुई कोई नकारा चीज। पहले कितना ख्याल रखता था मेरा, मेरे पास आके बैठता था, मुझसे बातें करता था, हंसता था, मुझे हंसाता था, घंटों मेरे कंधे दबाता था, और जब मैं कहती थी बस कर दो बेटा थक जाओगी तो कहता था नहीं, माँ की खिदमत करके कभी कोई थका है? माँ की खिदमत करके तो मुझे सुकून मिलता है, ये सुकून मिलता है उसे, माँ का दिल दुखाता है। ये कैसी बातें कर रही है, बस कर देना, मैं हूँ आपके साथ, अब बस कर दे, अब आप नहीं रोएं, सब ठीक हो जाएगा। आप रोएंगे तो फिर मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगी, बस करें, बस कर प्लीज। हेलो हेलो, क्या मोहल्ला करेगा?
मम्मी कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? मैं कमरे में हैं। कोमल उनके साथ है। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा सुनो, कोमल किसी भी काम से बाहर आए ना तो उसे कहना कि अम्मी को सुलाने की कोशिश करे और अम्मी को बस रिलैक्स रखे। ठीक है, ऐसा ही करेगी वो। अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं तो डर के मारे अम्मी के सामने ही नहीं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मत डरो, वो तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी वो। मैं समझ सकती हूँ, बस एक बार अम्मी सो जाए ना तो फिर खैर है, मैं और कोमल तो वैसे ही घर के कामों में बिजी हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में ना कोमल को फोन करता हूँ और अम्मी की खैरियत मालूम करता हूँ उससे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी उठ गई? खाला के यहां गई थी ना, मेरी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब दो, क्यों गई थी तुम? वो मैं खाला से पूछने गई थी। अम्मा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, क्या पूछने गई थी और क्या कहने गई थी? मैंने तुम्हारी नौकरी का स्कूल में बंदोबस्त कर दिया है, पहली से तुम स्कूल जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं उठ सकती सुबह सुबह। क्यों नहीं उठ सकती? अभी नहीं उठती हो तुम, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी ना तो खुद ही आँख खुलेगी। बस मैंने तुम्हें कह दिया है, पहली से तुम स्कूल जाओगी और दोपहर के बाद मेरे साथ बुटीक पे काम करोगी, सुन रही हो? चलो मर्जी खाने में, मेरे साथ आके चावल बघारो, मर्जियां करती है। आ रही हो या नहीं? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही हूं। चलो अम्मी अंदर से बहुत दुखी हैं भाई, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पाई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनके साथ गलत हुआ। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही, जाहिर है जो हुआ होगा जानबूझकर थोड़ी किया होगा, लेकिन आप ये समझने की कोशिश नहीं कर पाए कि अम्मी को आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी, सिर्फ थोड़ी तवज्जा की। अब्बू की डेथ के बाद आप और अम्मी एक दूसरे से कितने अटैच थे, और अब वो जिंदगी के उस हिस्से पर आ चुकी हैं जहां उन्हें आपके मजबूत सहारे की जरूरत है। आपकी इतनी सी लापरवाही ने अम्मी को तोड़ के रख दिया, वो तो ये समझती है कि आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे। वो बहुत रो रही है आज, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। बुराइयां कर रहे हो ना मेरे खिलाफ, कोई और प्लानिंग कर रहे हो? मैं इधर आया हूं। छोड़ दो मुझे। आप आए, आप बैठे, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात तो सुने अम्मी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। आपने मुझे जिंदगी दी, आपने मुझे जीना सिखाया, खुशियां दी आपने मुझे, आपने मुझे हंसना सिखाया अम्मी, और आज आप ही वो सारी बातें भूल गई। आप मेरी माँ हैं, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ, आपके बगैर जिंदगी गुजारने को मैं सोच भी नहीं सकता। हमारे घर का ये माहौल नहीं था, हम हंसी खुशी रहते, खुश रहते, बातें करते, ये जो माहौल अब हो गया है, हमारे घर का माहौल हो गया, वो हमारे घर का माहौल नहीं था। हमें प्लीज, अगर लुबना की कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज इस घर के माहौल को पहले जैसा बना दे, नाराजगी छोड़ दे, कि अम्मी हमें ऐसा करती है कि कोई पिकनिक का प्लान बना देते, दो तीन दिन बाहर होके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, आप भी फ्रेश हो जाएंगे। फार्म हाउस चलते हैं ना भाई? हाँ सर। हाँ हाँ, फार्म हाउस चलते हैं। कहीं नहीं जाना है मुझे,
तुम अपनी बीवी और बहन को लेके जाओ। हमें ये प्लान मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाए। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने। मुसीबत में डाल दिया ना मैंने तुम्हें, मेरी खातिर परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रही है मेरे बारे में? ऐसा ही है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे बहलाने के लिए तुम दो दिन के लिए पिकनिक ले जाओगे। तुम क्या समझते हो दो दिन बाहर रहने से, इकट्ठे हंसने बोलने से सब ठीक हो जाएगा? अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। फाखर अपा को भी आपने, और शहजाद की भी फ्लाइट। हम पुप्पो के पास किसी और दिन चले जाएंगे और भाई खुद एयरपोर्ट चले जाएंगे, आप फिक्र मत करें असद। नहीं शहजाद पता नहीं क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता। भाई कुछ नहीं सोचेंगे, आप परेशान मत हो। नहीं लुबना, अम्मी को मैं बातें बना लूंगा, तुम जाओ तैयार हो, चलते हैं तुम्हारे घर। असद जी, वैसे कोमल को मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए आती है, मुझसे मिलती और चली जाती, ये क्या तरीका हुआ? वो क्या, मैं उसकी सास हूँ, फूफी सास। अरे डरना चाहिए उसे मुझसे, जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह शाम मुझे सलाम करने के लिए आना होगा उसे। बस कर दो फाखरा, मेरे इतने लायक बेटे को क्यों छेड़ी हो भाई। भाई साहब वैसे आपका दामाद बहुत ही डरपोक है, शक्ल देखिए इसकी। कोमल क्यों आएगी मुझसे मिलने बेटे, मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने, उसे दुआएं देने के लिए। वैसे एक बात मैं अब सीरियसली कर रही हूँ, अगर हो सके तो लुबना को एक दो दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। देखिए पप्पू मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर लुबना रुकना चाहे तो रुक सकती है। पप्पू आज नहीं, फिर किसी दिन आऊंगी ना आपके पास। देख रहे हैं भाई साहब आप, ये लड़की तो ससुराली हो गई। पप्पू मेरे यहाँ तो आके दो दिन रहती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपने घर का हिसाब किताब देखो, जब सहूलत हो तब आराम से एक दो दिन के लिए आना और फिर खुशी खुशी चली जाना। जी पप्पू। चाय पियो। पीर साहब वो मेरी बहू है लुबना। खामोश, तुम नहीं बताओगी, हम बताएंगे। अच्छा बहुत फरमाबरदार बच्चा था, सरकश हो गया है, बीवी के कहने पर है, मुट्ठी में कर रखा है उसको, माँ से भी दूर करना चाहती है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तावीज उसको पिला देना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सब वो आपका हथियार जल कल खाक हो जाएंगे, पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे हम। जा, चली जा, बस हमें दुआओं में याद रखना। शुक्रिया मिर्ज़ा। का बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा। अगली बार आओगी तो पूरा काम कर दूंगा। जी शुक्रिया आपका। मैं आपको पता है कि मैं जहेज से कितना खिलाफ हूँ। अंकल तो जहेज दे रहे थे लेकिन मैंने मना किया। बेटा जहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है, मैं मानती हूँ, और वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि तुमने जहेज ना लेके उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दी। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अच्छा ये बताओ लुबना कैसी है? ना
जी अंकल, रुकना बिल्कुल ठीक है। कोमल के साथ तैयारियां करेंगे तो शायद मेहंदी में जाने की। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बच्चा, मेरा दुआ कहना है हम लोगों। अम्मी, मुझे लगता है कि अब हमें कोमल की शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। जेवर तो तैयार है, कपड़े तैयार करने के लिए भी बहुत वक्त पड़ा है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जो कपड़े वगैरह ये सारी चीजें हैं, इसकी आप लिस्ट बना दें, तैयारी तो शुरू करें। क्यों, तुम्हारे ससुर तो बहुत गर्मजोशी से कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोमल चाहिए मुझे। तो अम्मी, ये तो अंकल का बड़प्पन है कि उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन कोमल हमारी इकलौती बहन है, ऐसे खाली हाथ से तो करूंगा नहीं, कुछ ना कुछ दूंगा ना इसको। उनकी बेटी क्या लेके आएगी? अम्मी, आपको पता है कि मैं जहेज से कितना खिलाफ हूँ। अंकल तो जहेज दे रहे थे लेकिन मैंने ही मना किया। बेटा, जहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है, मैं मानती हूँ, और वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि तुमने जहेज ना लेके उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर, आप बिला वजह की बहस क्यों कर रहे हैं? वैसे भी भाई इसके सख्त खिलाफ, अगर आप जहेज देना भी चाहेंगे ना तो वो लेंगे नहीं। अभी तो पहला तावीज चलाया है, तीन बाकी हैं। अम्मी, आप पूरा दिन काम करती रहती हैं, घर का, कोमल को संभालती हैं, आप थकती नहीं है? नहीं। चलिए आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। क्यों भाई, इतना अच्छा खाना बनाया मैंने घर पे, घर बैठ के खाएंगे? मुझे पता था कि आप मना ही करेंगे। चलिए आज फिर आपके हाथ का लजीज खाना खाना पड़ेगा। अच्छा अम्मी, वो फाखरा पप्पू आएंगे कराची? कौन फाखरा पप्पू? अरे अम्मी, वो फाखरा पप्पू जो लाहौर में होती हैं, लुबना की पप्पू है ना, अपनी कोमल की पप्पू सास। क्या जरूरी है जाना? नहीं, जाना तो जरूरी है, अपनी कोमल की पप्पू सास है, पर आपको पता है ससुराल के मामलात कैसे होते हैं। पता है मुझे, लुबना की तो पप्पू सास है, मैं तो लुबना की सास हूँ, पहले उन्हें मुझसे नहीं मिलने आना चाहिए। अम्मी, जी अम्मी, मेरे ख्याल से शायद आप ठीक कह रही हैं, उन्हें भी आना चाहिए। बस तो फिर ठीक है, लुबना के कान में डाल देना बात। जी, खाना लगाऊं? और ये मैं आपके लिए लेकर आई। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है, आप अपनी बेटी के लिए ले आई, बस काफी। अब आप भी हमारे अपने ही हैं, कोई गैर थोड़ी, रख लीजिए। शुक्रिया। और भाई, ये स्पेशल गिफ्ट मैं लाई हूँ अपनी प्यारी कोमल के लिए। इसकी क्या जरूरत थी पप्पो? ऐसा नहीं कहते, ये तो हमारा प्यार है। तो बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। ये देखिए, चिप्स खाना पप्पो। वो थैंक यू। आप नहीं खाने वाले? अरे, जल्दी आ गया दफ्तर से।
जी वो अंकल का फोन आया था, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं इसलिए। तो ले जाओ डॉक्टर के पास। नहीं वो उनके घर के पास ही कोई क्लिनिक है, वहाँ से मेडिसिन दिलवाती है। तो मैं आपको बताने ही आया था कि मैं लुबना को लेकर जा रहा हूँ उसके घर, वहाँ एक दिन रहेगी। बेटा लुबना को डॉक्टर ने बिस्तर तक से उठने को मना किया, सारा घर का काम काज मैं देख रही हूँ और तुम उसे वहाँ ले जा रहे हो काम करने। वो काम करने नहीं जा रही है वहाँ पे, उसके लिए तो अंकल ने कोई खातून रखी है, वो पूरा दिन वहीं रहती है और सारे घर का काम करती है। अंकल हार्ट पेशेंट है और अकेले हैं, मैंने ये सोचा कि अगर लुबना चली जाएगी तो काफी अंकल को कंपनी हो जाएगी। कोई नहीं जाएगी वो। क्यों मम्मी? मैं उनको बोल चुका हूँ, मैं जबान दे चुका हूँ उनको कि आ रही है। तो मना कर। क्या वजह बताऊं? कह दो कि अम्मी नहीं मान रही। अम्मी आप बिना वजह की बहस कर रही हैं। वजह बताने की जरूरत नहीं है, कह दो अम्मी नहीं मान रही। मैं उनको बोल चुका हूँ कि लुबना आ रही है और मैं लुबना को लेकर जा रहा हूँ। I'm sorry. पीर साहब, आपने जैसा बोला था वैसे ही चार दिन तक तावीज पिलाती है। जब तक तावीज पिलाती रही सब बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन आज तो उसने हाथी खेल है, बिछाया हुआ जाल है, फसाद की जड़ बच्चा है। बच्चे को बहाना बनाकर शोहर को काबू कर लिया है उसने। बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन वो बच्चा पैदा हो जाएगा उस दिन वो औरत तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, दर बदर की ठोकरें खाओगी, सड़कों पर रुलती रहोगी, फुटपाथ पर आ जाओगी। बाबा जी आप ये क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरी खाला की मुसीबत दूर हो जाए। ये शरबत में डालकर उस औरत को पिला देना, ठीक हो जाएगा मसला। चले, शुक्रिया बाबा जी। तुम भी तो कॉलेज के बाद से गायब ही हो गई। मेरी शादी ऐसे हालात में नहीं हुई थी कि मैं बुला सकूं। अच्छा अक्सर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी फ्रेंड है, इतने अरसे बाद फेसबुक पर मिली है। अच्छा क्या बात है, घबराई हुई लग रही है, तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखो। बिल्कुल ही रंग उतर गया है। ये लो जूस पिया कर, ये जूस पिया। ये आपने क्यों तकलीफ की? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं तुम्हारा ख्याल करूंगी तो कौन करेगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ और जब तक असद नहीं आ जाता रेस्ट। पूरे 20,000 रुपए।
अब तो मेरा काम हो जाएगा ना। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैं ऐसा नहीं। परा, परा बात सुनो बेटा। जी बेटा, वो कल ड्रेस लेकर गई थी तो पेमेंट नहीं की तुम्हें? हाँ, वो कही थी कि अम्मा से माजरत कर लेना, शायद उनके पास पैसे नहीं थे और एटीएम भी नहीं मिला रास्ते में। कही थी कि मैं अब आऊंगी तो दे दूंगी। अच्छा, वो वैसे ऐसा करती तो नहीं है, पैसे तो फौरन ही दे देती है। हो सकता है उसके पास ना हो। चलो फिर दे देगी। अम्मा, चावल चावल भी खत्म हो गए, सौदा लेके आना था ना। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो खैर, कल चलेंगे, जाके ले आएंगे, दोनों चलेंगे। ओहो, आज तो तुम बहुत खुश होगी, अम्मी के हाथ से जूस मिला है भाई। जाहिर है, अगर वो रिलैक्स्ड है तो मैं भी रिलैक्स्ड हूँ और बहुत खुश हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अब हमारे घर का निजाम ऐसे ही चले। इंशाल्लाह। ऐसा सर, हम अनजाने में कुछ तो गलत करते होंगे ना, अम्मी बिलावजह तो नहीं उलझी रहती होंगी। कौन सी गलती मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से अम्मी इतना नाराज रहती हैं? मेरा ख्याल है हमें उन्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए अच्छे माहौल। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ जाएगी कि वो क्या चाहती है, और जब समझ आ जाएगी तो वही करेंगे। और कल से आप क्या हुआ? क्या हुआ वालों का? क्या हो रहा? अम्मी, अम्मी, तुम इधर आओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अम्मी, लुबना की तबीयत खराब हो रही है। अम्मा। हाँ, इधर हूँ। अम्मा। ओए, तुम समोसे नहीं लाए? वो असद और खाला लुबना को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर गए। क्या? ऐसे भी क्या इमरजेंसी हो गई? उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो भी एम्बुलेंस में? तुम्हें पूछना चाहिए था ना असद से। ना, टाइम नहीं मिला। मैं पूछ के आती हूँ कोमल से, ठीक है? नहीं, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे जा रही हो भागी भी बगैर पूछे? नहीं जाना, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मुझे भी चाय पिलाओ। अच्छी सी बना देना, पानी गरम घोल के ना ला देना।
अरे मैं फोन करके पूछ तो लूं कि ये लोग घर पे हैं या नहीं। करें फोन। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी अंकल अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा मैं और फाखरा तुम्हारी तरफ शाम को आ रहे हैं, तो सोचा फोन करके तुमसे पूछ लें तुम लोग घर पे हो या नहीं। अंकल अभी तो घर पर ही हैं लेकिन निकलने की तैयारी कर रहे हैं बस। अच्छा कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मेरा एक दोस्त है अंकल, उसके भाई की शादी है, आज मेहंदी है, कल शादी है और परसों वाली में, तो 3 दिन हम लोग वहीं भी महसूस हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो एंजॉय करो, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे। जी ठीक है अंकल, बल्कि हम लोग आपकी तरफ चक्कर लगा लेंगे, आप मत आइएगा, हम खुद आ जाएंगे आपके पास। हाँ बिल्कुल जरूर जरूर बेटा जरूर। अच्छा ये बताओ लुबना कैसी है? ना जी जी अंकल लुबना बिल्कुल ठीक है, कोमल के साथ तैयारियां करेंगे तो शायद मेहंदी में जाने की। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बेटा, मेरा दुआ कहना है हम लोगों। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। कह रहे हैं कहीं शादी वादी में कहीं जा रहे, चलो फिर चल चलेंगे किसी दिन। तो ठीक है हम फिर कभी चले जाएंगे, आप सालन तो लेना, आप तो बिल्कुल सही से नहीं खा रहे। बस बस रहने दो, बस पानी तो थोड़ा पानी डाल। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब कुछ? सुप्रा इतनी खुश थी, कोई टेंशन नहीं थी उसे, कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। कल लॉन में क्या बातें कर रही थी? कह रही थी कि आज के बाद हम वैसे ही करेंगे जैसे हम भी कहेंगे, मम्मी जो कहती है ठीक कहती है, दुआ कीजिए उसके, वो आपको माँ कहती थी, आपकी माँ की दुआ लगा लगा कभी जाती है कभी। नहीं संभाले खुद, आप इस तरह रोएंगी तो प्लीज चुप करो, मैं दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ करें तुम लोग। मैं प्लीज चुप करो, आपकी वाइफ पहले भी इस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जब इनका 6 मंथ स्टार्ट हो चुका था, इस तरह से करना उनके अपनी जान के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। उन्होंने काफ़ी हैवी डोज में पॉइजन यूज़ किया है। पॉइजन? मैंने अपना हंसता बसता घर अपने हाथों से उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। अपने बच्चों को एक सांस तक चुभने नहीं देती। सर जी, जी आप अपने बेबी को लूज कर चुकी हैं। नहीं असल असल देखो कैसे झूठ बोल के गई है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मेरा 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 बच्चा मेरे 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 साथ है, वो मेरे मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया असल। बोले हैं ना आप, मैंने मारा है उसे।